बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ द फ्रेश ब्रांड न्यू वीडियो। और ये वीडियो मैं अपने बाइक के रिलेटेड बना रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो मैंने डाला था टेकिंग डिलीवरी ऑफ माय दिस न्यू BBGS। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा। फर्स्ट सर्विस इसकी डन हो गई है। हालांकि ये मैंने बाइक मार्च में परचेस की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसको सर्विस नहीं करा पाया। ओके, सो एक इशू इसमें आ गया था। BMW जाने के बाद मुझे पता चला कि इसका फ्यूल पंप है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, और जिसकी वजह से बाइक कभी कभी स्टार्ट नहीं होती थी। सो BMW, थैंक्स टू BMW, उन्होंने तुरंत उसका फ्यूल पंप जो है चेंज कर दिया और बाइक सर्विस भी करके दी। इसकी फर्स्ट सर्विस जो ड्यू हो चुकी थी। सो इसकी पूरी कॉस्ट मैं आपको बताऊँगा। मैं वो जो पूरा सर्विस कॉस्ट जो मुझे इसको लगा वो 6900 समथिंग रुपीज़ लगा। मैं वो पर्ची जो है मैं घर भूल आया, जो मुझे उसका रिसिप्ट मिला था, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और अपने स्क्रीन में भी कहीं पे आ रहा होगा। सो अगर मैं अपनी इसकी रिव्यू की बात करूं तो इसमें जो मुझे इश्यूज़ जो नज़र आते हैं, द बिगेस्ट इशू जो मुझे नज़र आते हैं वो है वाइब्रेशंस। जो वाइब्रेशंस जो मुझे मेन नज़र आते हैं वो मुझे थोड़ा यहाँ आता है, थोड़ा यहाँ इस वाले पार्ट में थोड़ा सा वाइब्रेशन नज़र आता है जब मैं थोड़ा ओवर स्पीडिंग करता हूँ, और या फिर मुझे इस पार्ट इस जगह भी थोड़ा वाइब्रेशंस नज़र आते हैं। एंड रेस्ट इज एवरीथिंग इज वेरी फाइन। लाइक अगर आप एडवेंचर टूरर हो, इफ़ यू आर एडवेंचर राइडर और आप यू आर प्लानिंग फॉर टूरिंग, सपोज आप लद्दाख जाना है आपको, सो दिस इज द बेस्ट बाइक अंडर दिस बजट। एंड डेफिनेटली द लोगो हेयर इज जो आपको है एक तरीके से स्टेटस आपको देता है, यू कैन सी BMW। एंड BMW का ट्रस्ट तो खैर है ही यहाँ पर। सो अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूं, सो आप लोग को लग रहा होगा कि सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। फर्स्ट सर्विस 6900 समथिंग रुपीज़, अप्रोक्स 7000 रुपीज़ लगा, लेकिन दैट इज़ फॉर वन ईयर। अगर आप कंपेयर करें दूसरी किसी कंपनीज से, सो एक साल में आपको इसके लिए सिर्फ 7000 और 8000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 9000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेजर पार्ट आपका चेंज हुआ। सो आई थिंक इट्स गुड इफ़ यू आर स्पेंडिंग लाइक 10,000 मैक्सिमम फॉर दिस पर्टिकुलर BBGS BMW एंड फॉर वन ईयर। सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच फेयर। सुनने में लगता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि 10,000 समथिंग अ बिग अमाउंट फॉर अ सर्विस, बट यू आर स्पेंडिंग इट फॉर इन अ ईयर ओनली। सो आई थिंक इट्स अ गुड डील। सो एनी वे, अगर आपको सर्विस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है, सो प्लीज़ राइट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ओके, सो मैं एक चीज़ और बता दूँ सर्विसिंग में। इसमें जो मुझे जहाँ तक याद है, टोटल 7000 में से आउट ऑफ 7000 3800 रुपीज़ इज़ फॉर लेबर कॉस्ट एंड द रिमेनिंग इज़ फॉर आई टेल यू व्हाट इज दे हैव चेक्ड हियर। दे हैव चेंज द दिस ऑयल। सबसे पहले उन्होंने ऑयल चेंज किया, और ये जो यहाँ पर एक ऑयल फिल्टर लगता है, दे चेंज दिस ऑयल फिल्टर। और उसके बाद चेन ल्यूब, चेन क्लीनिंग, पूरी वॉशिंग, और जितने भी नट बोल्ट हैं इन सबको दे टाइटन इट। सो दैट कॉस्ट रुपीज़ लाइक इफ़ यू माइनस लेबर कॉस्ट विच इज़ अराउंड 4000 रुपीज़ अप्रॉक्स, सो 3000 रुपीज़ दैट कॉस्ट इज़ मे दिस थिंग। सो इट इज़ प्रीटी मच एक्सपेक्टेबल, लाइक बिकॉज ऑब्वियसली आपको BMW का एक्सप्रेस भी मिलता है इसके साथ। सो आई एम प्रीटी मच कम्फर्टेबल एंड हैप्पी विद दिस BMW सर्विस। बट खाली एक ही इशू आया था जो मैंने आपको बताया। सो दैट सेट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन डाउन बिलो, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और जो भी बाइक लवर है उसको प्लीज़ अपनी ये वीडियो प्लीज़ शेयर करो। और जो भी क्वेश्चन है इस बाइक से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।